इंस्पेक्टर आए कह जाए तो के समझाई हम हमसे गुंडई जी ने कहा अबे हम समझ ल की तोहार पगलाई देखा तही फालतू मारा जाब सारी जतनी पगलाई में अब अंजहारी ले भाई तब का हमारे समझ क्या भाई हम देखा बताई थे मंजूना तो खाई गई मंजूना ऐसे मौका में मिले ये मेरे बाहर पीछे पड़ा था उसे बढ़िया दुबारा में है ये हुआ और देखना चला कर देखा था अब वो हमारा जीरा लाई ये तय अब हाथ इमाज जीव नहीं लेता हूँ सुनो भाई न करी देखा था हुई उसके पीछे मत पड़ो मेरे पीछे कैसे पड़ी लाइन छुआवत रहा अरे मेरे पास एक आइडिया है आइडिया हाँ मैं उससे ना हाँ इसका इनकाउंटर करेंगे इनकाउंटर हाँ चल बात यह है मेरा रे मैं अपने आप तो आएगा नहीं ना मैं आएगा तो पागल खाना बंद कर दे मैंने दिमाग लगाया मैं वही करती हूँ ठीक है हाँ हाँ ठीक ठीक तुम बंदूक रेडी रखो सही बात यह है मेरा रे उनके समझ में ना आवत मन से उनके भाषा अरे मर्द के बात खाली मर्द के बुझाला गोरी अरे नारी अन में होला नाही मर जस समझा समझा थक गए मर्द के बात मर्दे समझे मेरारी कढ़ाई में समझ सके सत्यवादी रहे तो यह सत्य के बात जाने झूठ बोले वाले के सत्य कहीं के मिला गए असत्यवती रहे ना तो यही के सती पतिव्रता के बात समझ में आए बेस्या के ना समझ में आए तोर हिसाब किताब हो गए खराब हम यार जबरदस्ती लिया के चलब चला इज्जत से न तो जबरदस्ती लिया चलब देखो मैं मान गई मैं तुम्हारी पत्नी हूँ अरे जियो हमारे जाना आगा तो चल देखो तुम थोड़ी देर वहीं इंतजार करो अभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी इंतजार करे पड़े कितना तक है अरे थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते अरे हम इतना कदने कई साल के तो देखा था अब कितना इंतजार करी कई अच्छा बस दो मिनट इंतजार दो मिनट दो मिनट का तोरे खातिर हम चार मिनट में तैयार रही वहीं बैठे रहना मगर एक बात यह है एकदम बहुत बोलते हो एकदम बढ़िया चुम्मा ले भाई पहले दिन पहले ध्यान दे रहे हो वाला पक्का ना हाँ पक्का उधर ही बैठ गया हाँ तो बंसर आम ना देने तक की और अब मत बोलना कैसे देने हाथ चुप है वाला एकदम बुले हो भैया हर नंबर बोलो एक क्या होता है चुम्मा कैसे देने समझी एक दिन का हुआ है मतलब नंबर पे चुम्मा एक नंबर पे चुम्मा मिले एक नंबर पे हाँ बोलो नंबर जल्दी से तो एक नंबर पे चुम्मा ना मिले कब पे नंबर पे तीन नंबर पे चुम्मा मिले अब तीन नंबर पे कभी इंतजार करूं भैया चार नंबर पे घरे जाए तो बात जान लिया हो समय आई जाए चार नंबर पे घरे जाए पांच नंबर पे तो नहीं बन जाए अमलदारी उतरिया उन्हों का इंस्पेक्टर बनिया है ना उन्हों को उतरिया है हाँ तीन नंबर पे हो तीन नंबर पे चुम्मा मिले चार नंबर पे घरे जाए पांच नंबर पे मतलब आगे 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 मतलब नंबर चुम्मा ले तैयार है बोला रेडी रहा हाँ बोला है एक जियो मेरे जाने खो गया दो हाँ यार करे आगे लो और बस बहुत हो गया तेरा जानू ले बस बहुत हो गया बस बहुत हो गया तेरा
कौन हूँ, हकीकत मेरा नाम क्या, इस पर तूने मुझको पहचाना नहीं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त ड्यूटी से सस्पेंड कर सकता हूं। मैं हूं क्राइम ब्रांच का सीआरडी इंस्पेक्टर आदेश सक्सेना। आप क्रिमिनल हो सर, हो क्या आप क्रिमिनल हो? लुंगी पहरे हो, गंजी फटाई पहरे। तुम दोनों की बात हो गई या नहीं? मेरे चंद सवाल है इंस्पेक्टर, क्या नाम है? नंबर प्लेट सीमा। इंस्पेक्टर सीमा, मेरे चंद सवाल है और उन सवालों को ठीक ठीक जवाब देना। जिस मुजरिम के खिलाफ एफआईआर होता है, क्या उसे अरेस्ट किया जाता है या उसका इनकाउंटर किया जाता है? करते तो अरेस्ट है। नकली दारू रही मैं कुल का हुआ? तुमने पी पी ली? हा? तुमने पी लिया? नहीं सुधर। भारत के संविधान में ऐसा नहीं है, जब तक आदेश नहीं होता तब तक पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता, और तुमने कानून का उल्लंघन किया है। अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें ड्यूटी से सस्पेंड कर सकता हूं, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं अपनी पत्नी का कातिल नहीं हूं। मैं तो अपनी पत्नी के कातिल को ढूंढने के लिए इस तरह का पागलपन का ढोंग किया था इंस्पेक्टर सीमा। मेरी पत्नी का असली कातिल कौन है? उस कातिल की तलाश के लिए मैंने अपने रूप रंग बदल दिए, अपने चलने का तरीका बदल दिया, अपने रहने का तरीका बदल दिया, अपने बोलने का तरीका बदल दिया, अपने इज्जत सम्मान सबको बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपनी पत्नी के कातिल की तलाश के लिए। पर आपके चाचा चाची ने तो कहा कि आपने ही खून किया है। शक है मुझे उन दोनों पे, क्योंकि जिस वक्त मैं आया था, मेरी पत्नी के मर जाने के बाद मुझे बताया गया कि मेरी पत्नी सांप के काटने से मरी थी, जबकि मैंने उसके ओठों पर किसी जहर का निशान नहीं देखा था। ये दुनिया जानती है कि सांप के काटने से जिस इंसान को सांप काट लेता है उसका सारा बदन काला पड़ जाता है। पत्नी के शरीर पर कहीं भी जहर के निशान नहीं थे। सब तो मुझे उसी वक्त हो गया, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं खुद से आड़ी होकर के अपनी पत्नी को इंसाफ नहीं दिला सका, इसलिए मैं कसम खाया हूं कि जिस वक्त मुझे वो कातिल मिलेगा, ना ही उसे कोर्ट में पेश करूंगा, ना तो उसके लिए बहस होगी, ना ही उसके खिलाफ मुकदमा चलाएगा, मैं सीधा वकालत करूंगा और अंत में उसे मौत की सजा खुद सुनाऊंगा। इंस्पेक्टर सीमा, तुम तफ्तीश करके पता कर लेना, मैं तो जा रहा हूं अपनी पत्नी के कातिल को ढूंढने के लिए। मेरी बात सुनिए, देखिए आपके चाचा चाची ने झूठी रिपोर्ट लिखाई, इसका मतलब इस खून के पीछे उनका हाथ हो सकता है। आप अपने पत्नी के कातिल को ढूंढ रहे हैं, मैं आपकी पूरी मदद करना चाहती हूँ, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? हाँ, तुम्हारे मिलने के बाद मुझे एक फायदा मिल सकता है, तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी से मिलती है, वो बहुत तो मेरी पत्नी की हम शक्ल हो, इसका मुझे कुछ ना कुछ फायदा कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, लेकिन बिना कारण के तुम मेरी मदद क्यों करोगी? हाँ वो तो है, देखिए मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ, आपकी पत्नी की कातिल तो मैं ढूंढूंगी, पर शर्त मेरी ये है। क्या शर्त? मेरी ये है कि आप मुझसे शादी करेंगे। शादी करेंगे? शादी? क्या शादी? अगर मैंने आपकी पत्नी के कातिल को ढूंढा तो क्या तुम मेरे पागलपन को देख करके खुद तो नहीं पागल हो गई हो इस समय? पता है तुम क्या कह रही हो? मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। शादीशुदा है पर आपकी पत्नी जीवित थोड़ी है। अरे तर्क तेरी नहीं मुझको अभी मंजूरी है, तर्क तेरी नहीं
ये ना दस टूरिस्ट है कोई करे तो ये झूठा दुनिया का हवस का खेल है, इसलिए शादी करना न मंजूर है, इसलिए शादी करना इंस्पेक्टर सेवा पति पत्नी आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। इसके अलावा कोई इंसान किसी और से अगर इस तरीके का संबंध रखता है तो महज सिर्फ पाप होता है, और इस तरह का काम मैं कैसे कर सकूंगा तुम्हारे लिए तुम अच्छी। हेलो, देखिए आपकी बात तो सही है, परंतु आपकी पत्नी कहाँ है? नहीं है वो इस दुनिया में। तुम ऐसे इंसान की पत्नी बनना स्वीकार करोगे? हाँ करूंगी। चलो फिर, अरे घर से ढूंढोगी मेरी पत्नी के कातिल को तुम, वादों से मैं तुझसे निभाऊंगा मैं, अरे करके शादी बनाऊंगा दूल्हन तुझे, प्रिया कर जब तुमको दे दूंगा मैं। मेरी पत्नी के कातिल को ढूंढने में मदद करोगी, उस कातिल को सजा मिलेगी तो मेरी पत्नी की आत्मा को जरूर शांति मिल जाएगी। अगर ऐसा करने में तुम कामयाब होगी तो मैं अपनी पत्नी प्रिया का दर्जा तुम्हें जरूर दूंगा, अगर मंजूर है तो फिर आओ। दरबारी गोकुल सर, अब तुम्हारी पोस्टिंग बढ़ जाए, पोस्टिंग बढ़ जाएगी। वह हम सोचत रहे बाबू साहब कि अब हमारा नंबर आवे वाला बा, क्योंकि सारी हमारे रास्ते की जो भी कांटे थे हाँ हाँ सब निकल गया है, कोई कांटा नहीं बाबू साहब। प्रिया बेचारी तो उसी के पीछे पीछे रजेशवाबी, अरे या तो कहीं घुट के मर गया होगा पगला के, या तो पुलिस चौकी जेल में बंद जेल में होगा। बाबू साहब कुल मजा ही मजा बा, सब मजा है, सब मजा ही मजा बा। तो मैं सोच रहा हूँ आज तुम जाओ पीछे पोशाक चेंज करो। हाँ बाबू साहब, और तब तक मैं महारानी के साथ थोड़ा रोमांस कर लेता हूँ। हाँ बाबू साहब बिल्कुल बिल्कुल, समय आएगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, अब चांस छोड़ ठकुराइन कमला। अब चंदनपुर की शहरी रियासत अपनी हो चुकी है, तो इस खुशी के अवसर पर कुछ ऐसा गीत गुनगुनाओ कि राजा ठाकुर के कलेजे को ठंडक मिले मेरी याद। सवेरे सवेरे चिसावत हो
ठकराए, तूने तो आज ठाकुर के कलेजे को ठंडा कर दिया। वाह, कमाल कर दिया तुमने इस अवस्था में। ससुर जी और सासू जी आपको नमस्ते। अरे ठाकुर साहब, ये कौन भारतनी है जो आपको ससुर जी और मुझे सासू जी बोल रही है? लेकिन है कौन जो? अरे तेरा नाम क्या है, कहां पर छुपाना? चल लड़के, जो भी हो तू सच सच बता दे तो मैं तुम्हें अवश्य छोड़ दूंगा। देखिए बताऊंगी, पर सबसे पहले आप सासू जी को अंदर भेजिए। ऐसी बात है तो ठीक है, ठकुराए तुम जाओ महल में थोड़ा आराम करो, अब तक मैं इससे कुछ मुझसे अकेले में कहना चाहती है, पूछो तो सही, देखो तो सही। ऐसा कौन सी बात बा जब हमरा सामने ना कर सकता हूँ? हमरा सामने तो कह सका था, लेकिन ठीक बा, आप बोल रहे हैं तो मैं चले जाती हूँ, पर इससे बच के रहिए ना, मुझे खतरा नजर आ रहा है। परवाह नहीं, आओ करीब आओ मेरे, अब बताओ आखिर कौन सी ऐसी बात है जो मुझसे कहना चाहती हो? ससुर जी, मैं ना आपकी दूसरी बहू हूँ, मेरा नाम है सीमा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी पहली बहू थी
जैसा आप चाहते थे वो उसने वैसा कुछ नहीं किया, पर मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे। पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है बताओ? मेरी बहुत आसान है, बताओ बताओ। शर्त मेरी ये है, आप मुझे खाली इतना बताइए कि आपकी पहली बहू मरी कैसी। हो इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात, लेकिन इसके बाद मैं जो चाहूंगा वही होगा। बस यही तो बात थी सीमा, यही बात थी कि जो मैं चाहता था वह कर नहीं सकती थी, और दूसरी तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था। तो हम ठकुराइन कमला और मैं दोनों मिलकर उसका गला घोट कर बाबू साहेब ऐसा जी सोचा फंसा जी नहीं, हमें कुछ कालम दाल लगाता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तब हम जाते हैं बाबू साहेब ड्यूटी छोड़ के। इस मामले में कोई समझौता नहीं बाबू साहेब, बताया जी कहा था। ठीक है जाओ तुम थोड़ा। फंस जाब यही सब दोनों मिलकर गला दबाकर रस्सी से फोड़ कर उसका गला मार डाला। अच्छा तो ऐसे मरी आपकी बहू? हाँ। आपने और आपने आपकी पत्नी ने मिलके मारा? मिलके मारा भाई। वाह। अच्छा मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। अरे फिर जल्दी करो, वही तो मैं गिफ्ट के लिए परेशान हूँ कब से। बस गिफ्ट आने वाला है, बुलाओ। हाँ जल्दी जल्दी मैं देखना चाहता हूँ। बस आ जाइए। हाँ 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 खोलो। अलग हो गया तू है कातिल पियाता, अरे मालूम पड़ा सारा साबुत हाथों में मेरे आ गया। तुमने जो भी बातें कही है सारी की सारी बातें रिकॉर्डेड में रिकॉर्ड हो चुकी है श्रीमान चाचा राजा ठाकुर, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर राजा ठाकुर। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा कानून तुम्हें यह इजाजत देता है कि जिसने पाला पोषा उसी को गिरफ्तार आज कर रहे हो तो कर लो, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। लो लेकिन पालन पोषण करने का यह मतलब नहीं होता है कि उसका गलत प्रयोग किया जाए। एक बाप अपने बच्चे का पालन पोषण करता है इसलिए नहीं कि वो उसे कातिल बनाएगा, वो उसे मुजरिम बनाएगा, वो उसे आतंकवादी बनाएगा, इसलिए बाप अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं करता। वो इसलिए पालन पोषण करता है कि उसे अच्छी नसीहत देगा, अच्छे संस्कार देगा, अच्छी पोस्ट पे पहुंचाएगा। और तूने तूने वो सब किया, वो सब किया मैं मानता हूं, लेकिन तूने ऐसा घिनौना काम कर दिया जो इस दुनिया का सबसे सबसे कमीना इंसान करता है। मेरी पत्नी रिश्ते में तेरी बहू होती थी ना, वो तेरे लिए बेटी के समान थी, लेकिन तू हरामखोर उसके साथ अपने मुंह काला करना चाहता था, लेकिन वो गरीब थी, गरीब की इज्जत सब कुछ है, उसने अपनी इज्जत कुर्बान नहीं किया। तुम दोनों ने मिल करके मेरी पत्नी का कत्ल किया और मेरी रियासत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, इसलिए हरामजादे मैं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूं, इसके मरने के लिए खड़ा होगा तुरंत। हवलदार तुरंत बंदूक लेकर के इंतजाम कर उसका मिलेगा। नंबर बोला, नंबर बोला, बस नंबर एक
नंबर एक है हाथ ऊपर, और नंबर दो हाथ ऊपर, और नंबर राजा ठाकुर ठकुराइन कन्ना को ही, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटना ही पड़ता है। तुम्हारे हाथ में बाजी थी, लेकिन 81 साल के बुद्धे ने तुम्हारी बाजी पर पानी फेर दिया। समय का चक्र है तो चलता रहेगा बेटा, अपने कानून का पालन करो और मुझे गिरफ्तार करो, यही मेरा प्रायश्चित है। लेकिन कोई बात नहीं है, हवलदार इन दोनों को कैद खाने में डाल दो, फिर इसके बाद मनमाने ढंग से इन्हें टॉर्चर करेंगे और इतना तड़पाएंगे दोनों को, इतना तड़पाएंगे कि जिंदगी में दोबारा अगर जन्म लिया इंसान का ना, तो पाप करने की तो बात छोड़ दीजिए, पुण्य करने में भी हाथ कांपेंगे, पुण्य करने में भी, पाप की तो बात छोड़ दीजिए। आपका बहुत बड़ा एहसान है, समनसन लिया चलते समनसन समनसन गौरा 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 स्टेशन, गौरा स्टेशन वही चलते गाड़ी से इनकाउंटर करेंगे ना, इनकाउंटर ना करब, वो बांध के रखब, सवेरे इनकाउंटर करब। ठीक है सीमा, कौन है ये देखो मिलो, मैं तो ऐसे भागते भागते चलाया, ये गोकुल बेटा, ये बेटा, ये सावन कुमार का, ये मेरी सगी लड़की नहीं है बेटा, ये सावन कुमार का दूसरी बहन है, दूसरी बहन, हाँ बेटा, इसको मैं मेला में पाला, मेला में पार उठा लिया है, अब क्या करें बेटा, इसको सजा पाला और पढ़ाया लिखा अच्छी मल्ला वाला औलाद ना रही, नहीं बढ़िया काम का है, चला ठीक है बा। सगी बहन थी, हाँ वो सगी बहन, जब तुम जानते थे तुमने बताया क्यों नहीं बेटा, ऐसे अपनी समय पास होते गया और सावन कुमार की मुसीबत देख करके मैं भी ऐसे चलता रहा। नहीं सेठ जी, आपने गलत किया है, मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, किसी की औलाद लेकर के औलाद वाले नहीं बन सकते सेठ, तुमने कहीं ना कहीं गलती की है, अगर शायद ये रही होती सावन के घर पे तो शायद उसकी दुनिया बेरान ना होती। खैर कोई बात नहीं, अब तो जो होना था हो चुका है। अब मैंने आप अपना वादा पूरा किया ना, अब आप अपना वादा पूरा करो। एक बार तो अपने पापा से पूछ लो, क्या वो विवाहित पुरुष से अपनी बेटी की शादी करना चाहेंगे? बोलो पापा, मैं इनसे शादी कर सकती हूँ ना? हाँ बेटा, आप आपकी इच्छा जो है वही करो। अब भागत का है यहाँ, दूठ मंत्र पढ़ देते है, एक आका दूठ मंत्र पढ़ देते है, आज हमार नवनिया नाइब, हमार मन लागत नाइब, नवनिया हो तो बढ़िया से ब्याह कराई, अबेर वार कराई देते है, चला देखा जाए बाद में। लुच्चा कांड में आवा, लुच्चा कांड में हम आवे ना चाहते ही, चल अच्छा कह दे थी राम राम सारे लाडन महतारी, ये कैसा उल्टा पुल्टा, एक नाय कहा था, हम गंगा माई कहा था, ये कैसे, ये सुबह लहरा मारत रात दैनिक समान अति मस्थिर हो जाए थे नारिक समान, जब सबरवा डुबकी लगाओ भक्त लोग काठ हर हर गंगे माई, हर हर गंगे फेटवा चमड़क थैली है जितना फिर बा उतना ही भरे। हाँ पंडित महाराज,
राम राम कहूँ राम के कहिया चारों कान मिलाऊं बकही। पढ़ा था तू महाराज भाई है आपका बताई कि बगले मिस्त्री है नोलरा है पूछ ले एक दिन वह एक दुकनिया बैठा रहे हाँ अरे मिस्त्री हो मोहन टाल वाले हाँ हाँ ये बैठा रहे एक जने पहुंचन कहा यार हो रही ब्याह पड़ा बा आज उन्हें पोलरा है देखा था हाँ। चार टांग में लगी बा वही पोलरा हुआ है चाहे चारों टंगे मिला देता खटी जो के यार चार पहिया के चाहे चार पहिया के चारों टंगे मिला देता लग जाए घरों ब्याह पड़ा बा वही हम चौपाई होके बने ली है कुछ न लैया न बम्बा जल लिया न गंगा जल लैया साधक साधक ब्याह करवावट है न सेनुन लिया न जयमाल लिया या न गाड़ी घोड़ा लिया यहाँ कुल यार बेटवा तू ब्याह कराओ था देखी गाड़ी वाड़ी है तू भेज दे है मान लो वह लिया चली अरे कुल गाड़ी तो दिखा बहन तो हमें चाहे गाड़ी नहीं वो चार चक्का तो और कुछ तो हो भी करे ना अरे तो दो चक्का जमाना थोड़ी बा कब हम सवारी से लिया यात्रा हम पैदल आई ओ मंगल भगवान गुरु मंगल मंगल गुरु मंगल पंग गाड़ी का जय मंगल है तनु हरे वगुण भागाय सूर्य को सब बने विनम प्रमदे सरकारे सुसर्वदाम तुम्हे माता जब का तुम्हे बंधु जब का तुम्हे विद्या गुणम तुम्हे सर सर्व मम देव देवम करे रवीरा परिवाद पंचठ भवरी घुमाएगा कुछ ना से लिया ना है हम जानत रही गोरे अचल रहे अभिवाद तुम्हारा और जब तक गंगा जमुना जलधारा वो श्री अब रामचंद्र की